मायावती के जन्मदिन पर गाना गाएंगे कैलाश खेर। गाने में दी गई देवी और गौतम बुद्ध की उपाधि। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। महिलाओं के बीच आज भी वह एक प्रेरणा बनी हुई है। मायावती 15 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाने जा रही हैं। वह हर साल अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। आपको बता दें, इस बार भी मायावती अपना बर्थडे बहुत ही अलग अंदाज में मनाने जा रही हैं। पार्टी के लोगों ने उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की हैं। वहीं खबर आ रही कि इस बार सिंगर कैलाश खेर भी मायावती को जन्मदिन पर एक खास तोहफा देने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मायावती के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कैलाश खेर एक गाना जारी करेंगे। इस गाने की खास बात यह होगी, इस गाने में मायावती को देवी की उपाधि दी गई है। इस गाने में उन्हें साक्षात देवी और गौतम बुद्ध का अवतार भी कहा गया है। यही नहीं, दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय इकाई ने मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने के दौरान अन्य सभी इकाइयों को अनिवार्य रूप से गाना बजाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि भाजपा के पहले चुनाव में उनका गाना गायक कैलाश खेर ने ही गाया था। गौरतलब है कि सिंगर कैलाश खेर की आवाज़ में जो गाना रिलीज किया जाएगा उसमें मायावती को जन नेता और आयरन लेडी के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा मायावती के जीवन संघर्षों को भी इस गाने के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। कैलाश के इस गाने के बोल में नारी रत्न के रूप में बहना बन के मसीहा आई, देश की सभी हस्तियों में बहना का पहला मुकाम है, पक्तिया शामिल है। यह गाना BSP की नई रणनीति को भी दिखाता है। वहीं आपको आगे बता दें कि मायावती ने पहले ही बसपा कार्यकर्ताओं से समारोह को सादा रखने की कीमती उपहार नहीं देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सदस्य समारोह पर खर्च करने के बजाय पार्टी फंड में योगदान कर सकते हैं। बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने कहा कि गीत में दर्शाया गया कि मायावती जी साक्षात देवी और गौतम बुद्ध के अवतार हैं। उन्होंने गरीब और दलितों के लिए काम बहुत किया है। अब देखना यह है कि विपक्षी दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज दस्तक चैनल।